हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम कुछ हेल्दी ऑयल्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने ये दो तरह का ऑयल मंगाया है स्टैंडर्ड कंपनी से, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी सी ये पैकिंग करके हमें भेजा है। मैंने ये खोल लिया है और बॉटल्स वगैरह में कहीं पर भी कोई डैमेज नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे से ये आया है। ये देखिए, ये हमने मंगाया है कोकोनट ऑयल और बिल्कुल अच्छे से पैक है सारा, देखिए। और ये हमने मंगाया है तिल का तेल, और ये भी देखिए ना, बॉटल कहीं से डैमेज है ना, ये स्टैंडर्ड कंपनी का ऑयल है, ये देखिए। तो बहुत अच्छे से पैकिंग की है और 2 डेज के अंदर अंदर ये मुझे मिल गया है। तो आइए इसको ओपन करते हैं। बहुत अच्छे से ये पैक किया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। और ये बहुत हेल्दी ऑयल है, देखिए। अगर आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं तो आप स्विच ओवर करिए इस पे। और ये देखिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बिल्कुल जैसे कोकोनट की फ्रेश की खुशबू आती है ना, तो उसकी खुशबू है। तो यानी अगर ओरिजिनल है ना, तो कलर और खुशबू दोनों ही स्ट्रांग होंगे। और ये देखिए, जो सील है ना, वो मैं आपको इस बॉटल की दिखाऊं, बहुत अच्छे से सील किया गया है। ये इसमें ऑलरेडी होल है, और ये जो बॉटल है ना, इसको बिल्कुल अच्छे से सील किया है। इसको हमें पहले ओपन करना होगा, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑयल्स और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। बॉक्स पर लिखा है, देखिए, सपोर्टिंग आर लोकल फार्मर्स। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स इनकी क्या है, कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं। ये है ग्राउंडनट ऑयल, जंजली ऑयल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, नीम ऑयल, है ना, महुआ ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे इनके कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हैं। नेचुरल स्वीटनर है प्योर माउंटेन हनी, ये सब नेचुरल स्वीटनर है। और घी है इनका, विलेज काओ घी है, और कॉपर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं, टाइम वेस्ट ना हो। इस तरह की पैकिंग इन्होंने दी है, तो देखिए बहुत अच्छा है। ये 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर सब में उपलब्ध है। देखिए, मैंने इन दोनों ऑयल को यूज किया है और ये बहुत अच्छे हैं। सबको पता है कि रिफाइंड ऑयल जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मोस्टली लोग जो हैं कोल्ड प्रेस ऑयल, कच्ची घानी के तेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने भी ये ऑयल मंगाया था स्टैंडर्ड कंपनी से, मैंने इनका नाम बहुत सुना है कि बहुत अच्छा है, इनका ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, प्राइस रिफाइंड ऑयल से थोड़े ज्यादा है, बट इतना भी नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। कोल्ड प्रेस ऑयल रिफाइंड ऑयल की अपेक्षा कम निकलता है और ये थिक भी होता है, तो जहां आप रिफाइंड ऑयल के 2 टेबलस्पून यूज करते हैं, वहां आपको इसका 1 ही टेबलस्पून यूज करना होगा। थिक होने के कारण गर्म होने पर ये फैलता है, तो बात बराबर हो जाती है। और इनकी पहचान ये है कि आप कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं तो कोकोनट की ओरिजिनल खुशबू आएगी, और तिल का तेल कर रहे हैं तो तिल की खुशबू आएगी, यानी खुशबू और इसका कलर जो है स्ट्रांग। तो इसका जो तिल का तेल है वो बहुत हेल्दी है, उसके बेनिफिट्स बहुत हैं, यानी बहुत। अगर आप YouTube पे जाएंगे ना, तो आपको इसके इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। सुबह शाम अगर 1 चम्मच लेते हैं तो ये स्किन के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ऑयल की मसाज भी, तिल के ऑयल की मसाज भी आप कर सकते हैं। सिर में भी आप ये ऑयल लगाएंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा। कफ अगर किसी के रहता है, जमा है, तो तिल का ऑयल उसके लिए बहुत अच्छा है। ये तेल गर्म होता है, तो सर्दियों में यूज करें। मोस्टली मैंने इसको ड्रेसिंग में यूज किया है, सैलड ड्रेसिंग्स वगैरह में यूज किया है, आने वाली रेसिपीज में आप देखेंगे। ये मेरी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से जैसे मैंने यूज किया है, मैं उस तरीके से आपको बता रही हूं। मुझे मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था और मैंने इसको यूज किया है। तो विंटर्स में तो आयुर्वेद के अनुसार ना, तिल में आप सूखी सब्जी बना सकते हैं, पर ये ऑयल को हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। हमेशा जो भी कोल्ड प्रेस ऑयल है, एक्सेप्ट कोकोनट और मस्टर्ड ऑयल, आपको इसमें डीप फ्राई नहीं करना है। इसको आप मीडियम स्लो फ्लेम पर ही कुक कीजिए। तो सैलड ड्रेसिंग या सूखी सब्जियों के लिए आप यूज कर सकते हैं। कोल्ड प्रेस मीन्स एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और कोकोनट ऑयल में आप डीप फ्राई कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप साउथ इंडियन डिशेस बना रहे हैं, इडली, डोसा, ये सब आप कोकोनट ऑयल में बना सकते हैं। और नॉर्थ इंडियन डिशेस है, आप उसके लिए मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं।
ये जो ऑयल होते हैं ये डाइजेस्ट जल्दी होते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इनकी हाई फ्लेम पर कुकिंग नहीं करनी है। जो तिल का तेल है उसको हाई फ्लेम पर कुकिंग नहीं करनी है। क्यों ये अच्छा माना जाता है, क्यों इस तेल को बहुत अच्छा मानते हैं कि एक तो ये हाई टेम्परेचर यानी इसका जो हीट है वो यूज नहीं की जाती इसका प्रोसेस करने में, हीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, कोई केमिकल नहीं यूज किया जाता, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता जैसा कि रिफाइंड ऑयल में होता है कि हीट प्रोसेस होता है, उसका कलर चेंज करने के लिए उसकी खुशबू तक चली जाती है, तो वो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक है। जो भी ऑयल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके रिमूव नहीं होते हैं, जबकि आपके जो रिफाइंड ऑयल है उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाते हैं, टेस्टलेस हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये बहुत न्यूट्रिएंट होता है। मैं ये नहीं कहती कि ये ऑयल है कोल्ड प्रेस ऑयल है तो आप इसको जितना मर्जी चाहिए उतना खाइए, नहीं, बट आप स्विच कर सकते हैं रिफाइंड ऑयल टू कोल्ड प्रेस ऑयल। इसके बेनिफिट्स हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, और कोकोनट ऑयल को आप रेगुलर यूज करेंगे मसाज में, आप रेगुलर अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, गुड मॉइस्चर देता है आपके स्किन को और हाइड्रेटेड रखता है बहुत लंबे समय तक। और ये मेरा आजमाया हुआ है कि जब भी आपका जल जाता है या वहां पर निशान पड़ जाता है उसको अगर आपको खत्म करना है तो आप डेली उस पर कोकोनट ऑयल लगाएं, वास्तव में ये खत्म हो जाएगा। और चेहरे पर फेस पर लगाने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो बाकी इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कहां से आप परचेज कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट के बारे में बता दूंगी और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो शुद्ध खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।